नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तस्नीम है। नमस्ते दोस्तों, और मेरा नाम है प्रिया। आज हम यहाँ पे आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है नीम सराय, जिसे लिखा है रंजीता गुप्ता ने और चित्रकारिता हुई है इंक ब्रशमी स्टूडियो द्वारा। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। राशिद और इफ्फत आंगन में खाट पर लेटे हुए थे। रात के आसमान में रुई जैसे बादल हवा में उड़ रहे थे। देख राशिद, हमारा नीम सराय, इफ्फत बोली। देख कब्बू चाचा के भेड़ जैसे बाल, राशिद बोला। और ये देख राशिद, तेरा छाता, इफ्फत ने कहा। और ये इक्के वाले का घोड़ा, राशिद ने कहा। और इधर छोटे छोटे बादलों की रेलगाड़ी, इफ्फत ने कहा। ये बादल जैसे नदी में मगरमच्छ हो, राशिद बोला। वो रही हमारी साइकिल, इफ्फत ने कहा। ये बादल चांद का घर है, राशिद बोला। पर चांद का घर तो पहाड़ के पीछे है, इफ्फत ने कहा। ये चांद का उड़ने वाला घर है, इस घर में बैठकर ही तो चांद हमसे मिलने आता है, राशिद ने कहा। तो हम भी चले चांद से मिलने चांद के घर, इफ्फत बोली। कहाँ, पहाड़ के पीछे, राशिद ने पूछा। नहीं, चांद के उड़ने वाले घर में, इफ्फत ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, कल सभी चांद के घर चलेंगे, अब सो जाओ, अम्मी की आवाज आई। दोनों खिलखिलाते हुए सो गए। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों? चलिए अब इस कहानी पर कुछ बातें करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि तुमने आसमान में ऐसे बादल कब देखे हैं और उनमें क्या क्या बनते हुए देखा है। तो बच्चों ये बताओ, राशिद ने इफ्फत को क्या बताया, चांद का घर कहाँ पर है? ये बताओ बच्चों, रात के समय चांद के अलावा आसमान में और क्या क्या दिखता है? तो अब ये कहानी आप अपने दोस्तों को अपने शब्दों में सुनाओ। धन्यवाद।